भावना को भी कोई नहीं मानता है तो हम तो मानते ही नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है, वो भारतीय तो है ही नहीं, और वो काबिल तो है ही नहीं, वो महाअयोग्य है, महापापी है, जो राष्ट्रपिता बापू की बात को भी नहीं सुनता है, अब समझता है तो उसका क्या मतलब। शराब लोगों को किस तरह से बर्बाद करता है, खाली पैसे का नुकसान नहीं करता है, उसके जीवन को नुकसान कर देता है। शराब लोगों को किस तरह से बर्बाद करता है, खाली पैसे का नुकसान नहीं करता है, उसके जीवन को नुकसान कर देता है। बापू ने जो कुछ भी कहा है एक एक घर तक हम लोग पहुंचा रहे हैं कि नई पीढ़ी के लोग देखो कि राष्ट्रपिता ने क्या कहा, जिन्होंने देश को आजाद दिलवाया और आजादी के दौरान भी वो कहते रहे शराब कितनी बुरी चीज है, इसलिए वो भी हम लोग सबको कर रहे हैं। और इंटरनेशनल जो कुछ भी किया गया, जो भी उसका सर्वे का रिपोर्ट आ गया, उसके बारे में भी हम लोग कर रहे हैं। तो एक एक चीज के बारे में हम लोग कह रहे हैं। हम तो यही आग्रह करेंगे कि सब लोगों को समझाइए, कोशिश करिए, लेकिन ये बात तो सही है कि कितना भी हम लोग ट्राई करेंगे, आप भी ट्राई करेंगे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा। अब आप जो बोल रहे हैं पुलिस वाली बात सही है, अभी हम हाल ही में घूम रहे हैं तो महिलाएं सब बोल रही है कि ये पुलिस वाला वहां ये गड़बड़ करता, हम लोग शिकायत नहीं करते, सबको बताया जा रहा है। कोई भी है, आप जरा देख लीजिए कि जितना भी कोई भी कानून आप बनाते हैं, लेकिन सब पर कोई नियम ठीक से करता है? अभी इधर उधर से धंधा करता है, हम लोग बजट बनाते हैं निर्माण के लिए, और निर्माण करने का जिसको जिम्मेवारी रहता है उसमें कुछ धंधा करके पैसा नहीं कमाता। भावना को भी कोई नहीं मानता है तो हम तो मानते ही नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है, वो भारतीय तो है ही नहीं, और वो काबिल तो है ही नहीं, वो महाअयोग्य है, महापापी है, जो राष्ट्रपिता बापू की बात को भी नहीं सुनता है, अब समझता है तो उसका क्या मतलब। 18 का इसी में जो हमने सर्वे कराया, 1,74,00,000 लोगों ने छोड़ा, दारू नहीं पीना शुरू किया, और अभी हम और सर्वे करा रहे हैं, और लोग होंगे जो कभी शराब नहीं पीते, लेकिन कुछ आदमी तो गड़बड़ है ही भाई, उसको क्या कीजिएगा। अब वो पिएगा, और जब जाकर के कहीं भी पिएगा तो गड़बड़ पिएगा तो उसका ना दोष है, इसलिए उसको राहत मिलनी चाहिए, ये तो और प्रमाण है। और दूसरी बात जान लीजिए, एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, जहरीली शराब से सिर्फ बिहार की बात नहीं है, बिहार में तो न्यूनतम है, जहां पर शराब बंदी नहीं है वहां जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या जरा ठीक से जान लीजिए। जिन राज्यों का नाम ले रहे हैं उन राज्यों के बारे में भी जरा जान लीजिए कि जहरीली शराब पीने से वहां कितने लोग मरते हैं, कितनी घटनाएं घटी। और बिहार में भी जब शराब बंदी नहीं था तब भी जहरीली शराब से मरने वाले कितने लोग थे। तो देखिए ये सब तो गड़बड़ होता ही है, तो जो लोग भी हैं वो आदमी में तो दोष रहता ही है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, पुलिस का हो, कोई हो या अन्य लोग हो, तो उसमें तो कुछ तो गड़बड़ी होती है। तो हम लोगों का यही कोशिश करना चाहिए, अभियान चलाते रहना चाहिए कि भाई गड़बड़ मत करो।